वेलकम स्टूडेंट्स टू माय चैनल गुरु सज्जाद। आज हम लोग फिर एक और नया चैप्टर पढ़ने वाले हैं एनआईवाईएस बोर्ड का क्लास 12 सीनियर सेकेंडरी सब्जेक्ट इंग्लिश 302। चैप्टर का नाम है जो कि आज एक पोयम है, इस पोयम का नाम है द रोड नॉट टेकन, रिटन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। आइए हम लोग इस चैप्टर को पढ़ लेते हैं, इस पोयम को जल्दी से जल्दी पढ़ लेते हैं। यू मस्ट हैव हैड टू मेक चॉइसेस समटाइम्स, डिड यू एवर फील इनश्योर ऑफ योर चॉइस। मल्टीपल टाइम में हमें कभी कभार चॉइसेस बनानी पड़ती है, जिस चॉइसेस के थ्रू हम अपनी जिंदगी में आगे बढ़ते हैं। वॉज इट बिकॉज यू डिंट नो वट योर चॉइस वुड लीड टू यू। तो कभी ये भी होता है कि हमें पता ही नहीं रहता कि हम जो चॉइस बना रहे हैं, हम जो चॉइसेस कर रहे हैं, क्या वो चॉइस हमें अपनी जिंदगी में कामयाबी की तरफ ले जाएगी, या हम कामयाब होंगे या नहीं होंगे। ये सारी चीजें हम लोग सोचते रहते हैं एक डिसीजन बनाने के पहले, और ये सोचना भी चाहिए, क्योंकि हमें लोगों से एडवाइस लेनी चाहिए, अच्छे लोगों से जिनके पास एक्सपीरियंस है उनके उनके साथ हमें मेल जोल बढ़ानी चाहिए, एडवाइस लेनी चाहिए। जिंदगी में कोई भी कदम, अगर आप अपने जिंदगी में कोई भी कदम उठाना चाह रहे हैं या जिंदगी में सफल होना चाह रहे हैं, तो आप प्लीज जो एक्सपीरियंस लोग होते हैं उनसे आप एडवाइसेज लें, जरूर लें। इस पोएम में रॉबर्ट फ्रॉस्ट हमें बता रहे हैं, द पोएट इन द पोएम द रोड नॉट टेकन इज एट क्रॉसवर्ड। वो एक दुविधा में है, एक परेशानी में है कि उनके पास में चॉइस है और वो कौन से क्या सिलेक्शन करेंगे, किस रास्ते को सिलेक्शन करेंगे, वो ये इस बात की दुविधा में है। वो देर आर टू रोड्स एंड ही हैज टू चूज वन। वहां पे दो रोड्स हैं और उन्हें एक रोड चॉइस करनी है। दो रोड्स मीन्स करियर ऑप्शन रिलेटेड उन्होंने बात की है। उनके पास में करियर ऑप्शन, मल्टीपल करियर ऑप्शन है, लेकिन वे अभी इस बात को सोच रहे हैं कि उन्हें कौन से ऑप्शंस को सिलेक्शन करनी चाहिए। चलिए हम लोग लाइन बाय लाइन पोयम को पढ़ लेते हैं। मैं एक बार फिर आप लोगों से बताना चाहता हूं, मैं लाइन बाय लाइन इसलिए पढ़ता हूं ताकि एग्जाम के टाइम आपके पास में ये लाइंस के वर्ड्स होने चाहिए आपके दिमाग में, क्योंकि आप क्वेश्चंस कहां से आंसर करोगे। आपको लाइंस पता होनी चाहिए कि ये लाइंस कौन से पोएम से है, उसके बाद ही आप आंसर दे पाएंगे। कभी मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स ये लाइंस एक्सट्रैक्ट करने के बाद ये सवाल किया जाता है, द क्वेश्चंस कम्स लाइक दीज लाइंस हैव बीन एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम विच चैप्टर विच पोएम, या फिर हु इज द पोएट और पोएटेस ऑफ दिस पोएम। तो आपको पोएम का नाम और साथ में साथ पोएट का भी नाम जानना या पोएटिस का नाम जानना बहुत ही जरूरी होता है। टू रोड्स डाइवर्ज इन अ येलो वुड एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रैवल बोथ। दो रोड्स हैं, उन्हें एक रोड में ट्रैवल करनी है और ये बता रहे हैं कि ये दोनों रोड में ट्रैवल नहीं कर सकते क्योंकि ये सिंगल ट्रैवलर है, अकेले ही इनको जाना है। एंड बी वन ट्रैवलर लॉन्ग आई स्टूड एंड लुक डन वन एज फार एज आई कुड टू वेयर इट बेंट इन द अंडरवेंट। बोल रहे हैं कि मैंने दोनों रोड्स को काफी अच्छे से ऑब्जर्व कर रहा हूं, ऑब्जर्व करने के बाद में मैं अपना डिसीजन बनाऊंगा कि मुझे कौन से रोड को सिलेक्शन करना है, रोड्स इन द सेंस करियर। देन टुक द अदर एज जस्ट एज फेयर एंड हैविंग परहैप्स द बेटर क्लेम। मैंने पहली रोड को देखा, वो रोड अच्छा है, लेकिन दूसरा रोड जो मैंने देखा वो ज्यादा अच्छा है और मुझे ये समझ में आ रही है कि शायद मुझे दूसरा रोड लेना चाहिए। बिकॉज इट वॉज ग्रासी एंड वॉन्टेड वेयर। यहाँ पे ग्रास बहुत ज्यादा है और यहाँ पे लोग बहुत कम हैं। दो एज फॉर दैट द पासिंग देयर हैड वॉर्न देम रियली अबाउट द सेम। फिर वो कंफ्यूज हो रहे हैं कि अरे दोनों तो मुझे सेम लग रहा है, एंड बोथ द मॉर्निंग इक्वली ले इन लीव्स नो स्टेप हैड ट्रॉडन ब्लैक। दूसरी सुबह जब मैं उठता हूं तो मुझे यह ऑब्जर्वेशन आ रही है कि दोनों एक जैसा ही लग रहा है। ओ आई केप द फर्स्ट फॉर अनदर डे। मैंने पहले वाले को दूसरे दिन के लिए रख दिया है। येट नोइंग हाउ वे लीड्स ऑन टू वे आई डाउटेड इफ आई शुड एवर कम बैक। फिर मैं सोचता हूं कि क्या आज अगर मैंने सेकेंड वाले रोड को सिलेक्शन किया, क्या मैं पहले वाले रोड में दोबारा जा सकूंगा? क्या मेरे पास में इतना समय आएगा? क्या मेरे पास मिलेगा मुझे? क्या मैं आगे बढ़ सकता हूं? क्या मैं वापस आ सकता हूं?
कंफ्यूज है। हम सभी होते हैं जब हम अपनी जिंदगी की बड़ी बड़ी डिसीजंस लेने के लिए जब हम लोग तैयार हो रहे होते हैं, यह कंफ्यूजन हमारे अंदर भी रहता है। आई शैल बी टेलिंग दिस विद अ साय, मुझे बहुत ही अफसोस के साथ फिर बताना पड़ेगा, समवेयर एजेस एंड एजेस हेंस, एक वक्त के बाद, एक समय के बाद मैं जब बताऊंगा कि मैंने वो रोड लिया था, उस रोड में मैं कामयाब नहीं हुआ, काश मैं ये रोड लेता, इस रोड पे मैं कामयाब हो जाता, मैं अपनी जिंदगी का सक्सेसफुल हो जाता, सक्सेस हासिल कर लेता मैं अपनी जिंदगी में। टू रोड आई वॉज इन अ वुड एंड आई टुक द वन लेस ट्रेवल्ड बाय, दो रोड थे, मैंने एक रोड सिलेक्शन किया जिसमें कम लोग थे। अमूमन हम लोग ये कोशिश करते हैं जहां पे कम लोगों का भीड़ भाड़ हो, कम ऑप्शंस हो, वहां पे हम लोग जाने की, ऑप्शन ज्यादा हो, गैदरिंग्स कम है वहां पे, स्कोप ज्यादा है, वहां पे हम लोग एक्सेल कर सकते हैं। हम और आप यही कोशिश करते हैं कि उस रोड्स को, उस कैरियर को चुनने का, एंड दैट हैज मेड ऑल द डिफरेंस। और आज मैं जहां पे भी हूं अपने इस डिसीजन की वजह से हूं। तो फाइनली पोएट रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने अपना डिसीजन बनाया, उन्होंने दूसरा वाला रोड सिलेक्शन किया था जो कि लेस ट्रेवल्ड बाय द ट्रेवलर्स था, जो जहां पे कम पॉपुलेशन थी, उन्होंने उस रोड को सिलेक्शन किया अपनी जिंदगी में, और आज वे जहां पे भी हैं अपने उस सिलेक्शन की वजह से है, अपने उस चॉइस की वजह से है। माय डियर स्टूडेंट्स, ये पोयम आज यहां पे कंप्लीट है। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि आपका जो भी क्वेश्चन है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछें, एंड आई रिक्वेस्ट द न्यू विजिटर्स व्यूअर्स, इफ यू रियली लाइक माई वीडियो, अगर ये आपके लिए हेल्पफुल है और आपको लगता है कि ये कंटेंट में फ्रूटफुल है, तो आप मेरे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल बटन प्रेस करें, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट शेयर ज़रूर करें, क्योंकि जो मैं अपने हर वीडियो में कहता हूँ, पढ़ेगा इंडिया, बढ़ेगा इंडिया।